Very good morning, class 3rd. This is your subject computer. We will continue in chapter 4. We have to do its exercise. This is a book. Exercise book chapter name is Working of a Computer. This is your exercise. If you can't see in this page, I have written on board for you all. So, question answer. First one, what do you understand by output? The processing of raw data by the CPU with the help of instructions given by software is called output. Number second, what do you mean by processing? It is the process in which the raw data is transformed into information. Number third, how is an output given to a computer? Input is given to computer by an input device. Okay. Number four question dekhenge, where is processing done? प्रोसेसिंग कहाँ होती है? सो आंसर, प्रोसेसिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, और प्रोसेसिंग कहाँ होती है? सीपीयू में होती है. ठीक है, या इसमें ऐड करेंगे नंबर फोर में कि आंसर में प्रोसेसिंग इज़ डन इन सीपीयू. ठीक, नंबर सेवन क्वेश्चन करेंगे हम, फाइव नहीं करेंगे, सिक्स नहीं करेंगे. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट? सो आंसर, फीडिंग द रॉ डेटा इन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इनपुट. ठीक है, फीडिंग मतलब क्या? रॉ डेटा उसके अंदर इनपुट करना. ठीक है, उसी को हम बोलते हैं फीडिंग द रॉ डेटा, इनको उसको इनपुट करना बोलते हैं. ठीक है, नंबर एट, व्हाट आर द थ्री स्टेप्स इन द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर? आंसर विल बी इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. ठीक है, ये होता है इसका वर्किंग स्टेप्स. इधर हम देखेंगे पहले फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे. Input is given to the computer by an input device. Second, all the processing is done inside the CPU. Number third, the most common input device is keyboard. Number four, the most common output device is monitor. ठीक है, उसके बाद ये देखेंगे, ये C जो है ये क्या है? Write the output of the following. आपको यहाँ पर output लिखना है. Input ये है, ये क्या? कंप्यूटर को हमने बोला ऐड करने के लिए 20 और 100. ठीक है, समझ में आया? इंस्ट्रक्शन क्या मिला है? उसको ऐड करने का. ठीक है, इनपुट हमने डाला 20 प्लस 100, इंस्ट्रक्शन क्या दिया? उसको ऐड करने का. तो आउटपुट क्या आएगा, मतलब इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, वो आपको यहाँ पर लिखना है. ठीक है, समझ में आया? ये नंबर सेकेंड आप देख सकते हैं, वर्ड्स इनपुट किए हुए हैं. ठीक है, उल्टे पुल्टे, और इंस्ट्रक्शन दिया गया है मेक अ वर्ड. ठीक है, इन ये लेटर्स दिए हुए हैं, इससे आपको वर्ड बनाना है. तो क्या वर्ड बनेगा आपको वहाँ लिखना है. ठीक है, इनपुट फिर हमने क्या दिया? 50 × 30 दिया, और इंस्ट्रक्शन हमने दिया उसको मल्टीप्लाई करने का. तो आउटपुट क्या आएगा वो आपको लिखना है. नंबर फोर क्या है? इनपुट दिया, इंस्ट्रक्शन क्या दिया? अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इस नंबर को हमें क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आउटपुट में. ठीक है, ये आप अपने आप करेंगे. ठीक है, एक्टिविटी है. ठीक है, ये भी आप अपने आप कर सकते हैं. ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर लिसनिंग.